अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दूं। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। क्या नवाज संभालेंगे बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी? विलेन की लिस्ट में टॉप पर कौन है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा। स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। ये बात तो बहुत आम है कि कोई भी इंसान अपने काम और अपनी मेहनत से ही इस दुनिया में नाम कमाता है, और यही वजह है कि जब कोई इंसान अपनी पूरी जी जान लगा देता है अपने क्राफ्ट में, तो वो अपने आप को ही दुनिया के सामने साबित कर सकता है। दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि ऐसे बहुत कम एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एक विलन का किरदार निभाया है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से एक विलन से भी बड़ा असर छोड़ दिया है अपनी ऑडियंस पर। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा एक एक्टर थे जो है अमरीश पुरी। गदर जैसी आइकॉनिक फिल्म में अपने किरदार से उन्होंने एक पाकिस्तानी होने के साथ साथ एक जालिम आदमी का किरदार भी बखूबी निभाया था। और जब ऐसी परफॉर्मेंस को टक्कर देनी हो तो इस फिल्म के सीक्वल के लिए आपको ज़रूरत होगी एक और बेहतरीन विलन की। हमने आपको ये भी बताया था कि गदर का सीक्वल भी जल्द ही आने वाला है, और इस फिल्म के सीक्वल के साथ हमें गदर की कहानी के 25 साल बाद की कहानी को देखने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों जाहिर सी बात है कि समय बदला है तो बदलेंगे कैरेक्टर्स, और साथ ही बदलेगा फिल्म का विलन। गदर के सीक्वल में जहां हमें उत्कर्ष शर्मा यानी कि जीते के किरदार की कहानी दिखाई जाएगी, तो उनका मुकाबला देने के लिए एक बेहतरीन विलन की भी जरूरत पड़ेगी। और ये जरूरत पूरी करने के लिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से किसी एक को तो कास्ट किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि आज के जमाने में अगर कोई ऐसा एक्टर है जो एक निगेटिव किरदार निभाना जानता हो और विलन की लिस्ट में टॉप पर है, तो वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। एक्टिंग या फिर सिनेमा की दुनिया में अपना नाम बनाना कोई आसान काम तो है नहीं, लेकिन अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री के टॉप के एक्टर नवाज की बात करें तो इससे पहले भी उन्होंने कई निगेटिव किरदारों के साथ हमें इम्प्रेस किया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो गदर के सीक्वल में उत्कर्ष के सामने दिखते हैं तो वो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस से हम सबका दिल जीत सकते हैं। लेकिन ये सब देखने के लिए हमें करना पड़ेगा इस फिल्म का इंतज़ार। आपको बता दें कि इस फिल्म को काफ़ी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा है। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। दोस्तों अब इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।